बात करेंगे कोरबा लोकसभा सीट की। देखिए कोरबा में सरोज पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं पार्टी की, संगठन में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। इससे पहले दुर्ग से सांसद रह चुकी हैं और ज्योत्सना महंत जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की सांसद हैं वो एक बार फिर से मैदान में है। तो ये कोरबा की जंग बड़ी महत्वपूर्ण हो गई चूंकि दो महिलाओं के बीच में इस बार यहां पर जंग होने जा रही है। महतारी वंदन की गूंज पूरे प्रदेश में चल भी रही है। ऐसे में कोरबा की यह जंग बड़ी दिलचस्प। और सरोज पांडे बता दें कि तेज तर्रार टेस्टिफाइड महिला नेता है, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकार्यता है, लेकिन चुनौती यह है कि कोरबा से ये नहीं है तो और ये इनके लिए चुनौती बन सकता है। ज्योत्सना महंत के लिए भी कहें कि कांग्रेस की इकलौती स्वीकार्य महिला सांसद हैं इस वक्त और मौजूदा सांसद भी हैं, लेकिन क्षेत्र में काम न करने और निष्क्रियता के आरोप कई बार इनके ऊपर लगते भी रहे हैं। डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी है तो ये जो इलाका है कोरबा का, चरणदास महंत का यहां पर प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है, उनका वर्चस्व देखने को मिलता है। इस सीट से वो सांसद भी रह चुके हैं और जब वो सांसद थे तो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर यही कई सारे समीकरण हैं, तो इसकी वजह से कोरबा की जंग बड़ी दिलचस्प हो चली। चलिए सीधे कोरबा चलते हैं। कोरबा में हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, बहुत सारे समीकरणों पर हम बात कर रहे हैं लेकिन जमीन पर जनता क्या सोचती है अपने दोनों प्रत्याशियों को लेकर, सीधे उनसे बातचीत कीजिए। बिल्कुल रितेश, देखिए 2024 का चौसर और कोरबा लोकसभा की अगर हम बात करें तो कोरबा लोकसभा प्रदेश का एनर्जी इंडस्ट्री कैपिटल कहा जाता है और यहां पर कहें तो दो क्षत्रप इस बार चुनावी मैदान में है। दो महिला प्रत्याशी, दमदार महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और कोरबा लोकसभा का जो चुनावी इतिहास रहा है, छत्तीसगढ़ गठन के बाद तीन चुनाव यहां पर हुए हैं जिसमें दो बार यहां पर कांग्रेस के सांसद चुनकर आए हैं, एक बार जरूर यहां पर भाजपा के सांसद चुनकर आए हैं। लेकिन इस बार का जो चुनावी समीकरण है, क्योंकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तब यहां समीकरण अलग थे, चुनाव में यहां पर समीकरण अलग है। अगर बात करें तो यहां पर कोरबा लोकसभा में चार जिलों में अगर बात करें तो आठ विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इन विधानसभा क्षेत्रों में छह में अभी वर्तमान में बीजेपी है, दो सीटों पर एक में गोंडवाना और एक में कांग्रेस पार्टी है। तो सीधे क्योंकि लोकसभा चुनाव है ऐसे में मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, सीधे मुद्दों को लेकर कोरबा की जनता से हम बात करेंगे, कोरबा के जनप्रतिनिधियों से हम जवाब भी लेंगे। ऐसे में सीधे हम शुरू करते हैं और जनता से बात करते हैं क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से चुनावी चौसर बिछी है कोरबा लोकसभा के क्या कुछ मुद्दे हैं दो दिग्गज चुनावी मैदान में। देखिए सबसे पहले तो समस्या का पर्याय बन चुके कोरबा विधानसभा में आपका स्वागत है। मैं भाजपा के जो हमारे सम्मानित लोग खड़े हैं उनसे पूछना चाहूंगा कि ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो क्या डबल इंजन आपस में जुड़े रहेंगे या बीच में विकास के डब्बे रहेंगे? क्योंकि कोरबा वालों ने तो यात्री रेलगाड़ियों को भूल ही चुका है। ऐसी कई समस्याएं हैं कि जिसका समाधान माननीय वर्तमान लोकसभा सदस्य ने नहीं किया और अभी जो वर्तमान में चुनाव लड़ने के लिए जो हमारी बहन आई है उनसे अपेक्षा है कि क्या हमको समस्याओं में ही रहना है या समस्याओं से निजात दिलाना है। ये माल लदान भी कोरबा से ही बहुत ज्यादा होता है, क्या उसके तुलना में यहाँ पर यात्री सुविधाओं को लेकर रेलवे ने कुछ नहीं किया? क्या दुखदाई तो यही है कि जो गाय दूध देती है उसकी लात भी खाते हैं, यहाँ तो सिर्फ लात ही खा रहे हैं। सर्वाधिक राजस्व देने वाला आज रेलवे आज यहाँ की समस्याओं को बढ़ाते ही जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर में आप खड़े होकर के दे जाइए, आज शेषनाग चल रहे हैं, तीन तीन गाड़ियों को जोड़ करके चलाया जा रहा है, एम्बुलेंस के अंदर में प्रसव हो जा रहा है, जरूरी काम से आदमी वंचित हो जा रहे हैं। क्या यही इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का भाग्य लिखा हुआ है कि आप सिर्फ दूध देते जाइए और लात खाते जाइए? आज सड़कों के ऊपर में रोज निर्दोष अपनी जान गंवा रहे हैं, उनके बेदाग खूनों से आज हेडलाइन लिखी जा रही है, क्या यही आगे के लोगों की किस्मत में है? बिल्कुल, मालगाड़ियां चल रही है लेकिन सुविधाओं की गाड़ी जो है वो नहीं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दे? बिल्कुल ठीक कहा है सीओ अग्रवाल जी ने, यात्री गाड़ियों को लेकर लंबे समय से यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं और लोग अपने स्तर पर प्रयास करते हैं लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अब तक हैं और रहे हैं वो कोई खास प्रयास नहीं करते। करुणा शुक्ला जी यहाँ पर सांसद थी तो वो रेलवे ट्रैक पर बैठ गई थी यात्री सुविधाओं की मांग को लेकर, लेकिन पिछले 10 साल 15 साल से हम देख रहे हैं यहाँ कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो यात्री सुविधाओं को लेकर, रेलवे की सुविधाओं को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर कोई बड़ा कदम उठा पाए और इनके प्रयास पर्याप्त कभी नहीं रहे हैं। पिछले 5 साल से सांसद जी बयानबाजी करती रही हैं, यहाँ से राजस्व मंत्री रहे हैं जो बोलते हैं कि बड़े दबंग रहे हैं, जो बुरी तरह से चुनाव में हार गए हैं, लेकिन उनकी दबंगई तो पब्लिक के हित में कहीं दिखाई दी नहीं उनको। पब्लिक के हित में नहीं दिखी है, क्या लगता है और क्या कुछ मुद्दे हैं? उन्होंने बताया रेलवे का मुद्दा, किस तरह से देखते हैं और भी कुछ मुद्दे हैं यहाँ?
प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है कोरबा के लिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से जितनी गंभीरता से इस मामले को उठाया जाना चाहिए नहीं उठाया जाता, चाहे भाजपा के लोग हों कांग्रेस के लोग हों। वो जब भी सत्ता में आते हैं वो भूल जाते हैं कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कोरबा क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त कराने की बातें तो खूब करी, लेकिन वही बात कि सत्ता प्राप्त करते ही वो उनको उनके दिमाग में बात नहीं आती कि वापस लौट के फिर कभी हमको उन्हीं लोगों के बीच में जाना है जिनसे हमने वादा किया था। हमारी सरोज दीदी लोकसभा की प्रत्याशी बनी है और महिलाओं के लिए तो हमारी जो सरकार है वो तो बहुत सारी योजनाएं लेके आई हैं और कर रही हैं और करेंगी। यहाँ अभी हमारी सरकार है और काम आप देख रहे हैं, जो 5 साल में रुका हुआ काम था, चाहे जो भी आप देख रहे थे आवास को लेके हो या कुछ भी हो, सारी चीज़ों को अभी मैनेज हो रहा है। अगर लोकसभा हमारे यहाँ सरोज दीदी भारी बहुमत से जीत के आएंगी। बुनियादी मुद्दों पे क्या देखती हैं महिलाएं, कोरबा कहाँ पाती हैं, क्योंकि एनर्जी कैपिटल कहा जाता है, बड़े उद्योग यहाँ पर हैं, कोयला यहाँ से जाता है, अब हसदेव जैसे यहाँ पर वन क्षेत्र है, क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे? जी देखिए, कोरबा एक ऊर्जाधानी है यहाँ पर, उसके अनुसार इसका यहाँ का विकास सभी यहाँ के शहरी आवास मानते हैं कि नहीं हो पाया है। सरोज दीदी हमारी आदरणीय प्रत्याशी रही हैं भिलाई से, वो पहले महापौर थी, फिर विधायक थी, फिर सांसद थी। जमीनी स्तर पे शहर को विकास किस प्रकार किया जाता है ये उस भली भारती प्रतिनिधि, पैराशूट प्रत्याशी नहीं है, जमीनी स्तर की कार्यकर्ता है। हम सभी महिलाओं को इनसे बहुत अपेक्षा है। कोरबा लोकसभा को लेकर हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल महतारी बंधन लागू हो रहा है, उसी विषय में बात कर रहे हैं कि महिलाओं को लेकर यहाँ पर काम हुआ है, महिलाएं देखती है कि महिलाओं को लेकर यहाँ पर कोरबा में आपके सांसदों ने काम किया। भाई साहब ने बताया कि रेलवे के बारे में बात किया, एक बीच में जो इंजन के में ज्योतिष्णा महंत को यहाँ से लोगों ने चुनकर भेजा था, उन्होंने ऊपर में कोई बात नहीं रखा ना कभी भी, एक बार भी कोरबा लोकसभा में आए हुए हमको जानकारी नहीं है। तो ऐसे निष्क्रिय ज्योतिष्णा महंत को उखाड़ फेंककर हमारी सरोज दीदी कम से कम 4 लाख से अधिक वोटों से इस बार विजयी होंगी। बिल्कुल, जिस तरह से मुद्दों की वहाँ पर बात हुई है, जनता जिस तरह से मुद्दे उठा रही है, क्या लगता है पलायन का मुद्दा यहाँ पर, रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा पर आप राजधानी पर निर्भर रहते हैं, ऐसे में तमाम जो सांसद चुनकर आए हैं बिलासपुर को, माफ कीजिएगा, कोरबा को लेकर क्या लगता है कुछ हुआ नहीं? देखिए, कोरबा को लेके इसलिए नहीं हुआ कि सड़क से सदन तक ज्योत्सना महंत जी एकदम निष्क्रिय रही। तो राम अवतार जी, अगर कोरबा की जंग की बात करें, दो महिलाएं मैदान में हैं, 2018 के विधानसभा चुनाव की स्थिति ये थी कि 8 जो विधानसभा सीटें आती हैं इसमें से, उसमें से सिर्फ एक रामपुर सीट ऐसी थी जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास में थी और एक मरवाही से जैसी सीट है। अब 2023 में स्थिति पूरी तरह से पलट गई, अब सिर्फ रामपुर सीट ऐसी है जो कि कांग्रेस के पास में है, बाकी सब बीजेपी के पास में और एक गोंडवाना के पास में है। तो ये जो विपरीत परिस्थितियां बनी हैं, जिस तरह की, जिसका कद्दावर मंत्री का जिक्र कर रहे थे, मंत्री तक यहां से चुनाव विधानसभा में हार गए थे, इस बार की जंग को कैसे देख रहे हैं कोरबा की? वहां पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। एक तरफ सरोज पांडे राष्ट्रीय स्तर की नेता बन गई हैं और उनका एक आकर्षण है, दूसरे तरफ चरणदास महंत उस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी पत्नी सांसद है, फिर से दोबारा हो रहा है, तीसरा ये कि उस इलाके में प्रभाव दोनों पार्टियों का है बराबर का, इसलिए कि एक तरफ महंत जी लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और हर रिजल्ट जो आता है वो 50,000 के आसपास ही रहता है, ज्यादा वोटों का अंतर वहां नहीं जाता। वहां पर निर्णायक भूमिका में आदिवासी वर्ग रहता है, गुड़वाना सीटें ज्यादातर सुरक्षित सीटें वहां पर है, और कोरबा से लेकर चिरमिरी तक एक लंबा पूरा पेच है, बड़ा बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। बिल्कुल, तो वहां पर इस बार जो है विधानसभा के अनुसार देखेंगे तो भाजपा को ज्यादा सफलता मिली है, परंतु गुड़वाना जो है खासकर आदिवासी किस तरह झुकाव डालते हैं ये महत्वपूर्ण है। दूसरा ये बात सही है, हम ज्यादातर लोगों ने बात की, वहां समस्या बहुत ज्यादा है। मैं खुद कोरबा कुछ दिनों पहले गया था, इतने प्रदूषण है वहां पर, लोगों के जीना वहां हराम है, और अभी उद्योग मंत्री वहीं के बन गए हैं, तो इस इलाके के लिए लोगों को जन आंदोलन के रूप में एक बड़ा क्षेत्र जो है वहां, पैसा भी बहुत है वहां, बड़े बड़े उद्योग हैं, फिर भी वहां विकास क्यों नहीं हुआ है एक बड़ी समस्या है। इसके लिए वहां जो नागरिक बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं जी। तो इसके लिए एक बड़ा मुद्दा अगर लोकल मुद्दा रहा, वहां राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं या लोकल मुद्दा होते हैं, ये एक बड़ी बात यह है कि कोरबा में बाहर का प्रतिनिधित्व बाहर के लोग करते रहे, स्थानीय लोगों को जैसा नेतृत्व मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को नहीं मिलना चाहिए, वो मिला नहीं है। इससे पहले राजस्व मंत्री उस इलाके से थे, अब उद्योग मंत्री जो है सरकार में उस इलाके से है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह का
प्रतिनिधित्व या विकास कोरबा का होना चाहिए वो हुआ नहीं है, लेकिन दिलचस्प जंग है ये तय है कि दो महिलाएं यहां से मैदान में हैं और इसके बाद जनता यहां पर किस पर भरोसा जताती है देखना बड़ा दिलचस्प होगा।